How to fix Trell app can't change profile picture problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, यदि आप जो है Trell app के अंदर पे प्रोफाइल पिक्चर को चेंज नहीं कर पा रहे, तो कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकते हैं, आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ट्रबल शूटिंग प्रोसेस में आपको बताऊँगा, उसको फॉलो कीजिएगा तो दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर के वह शुरू करते हैं और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा कैसे सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बेल आइकॉन जो है उसको भी क्लिक जरूर करें। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो थोड़ा सा नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन पर जाके लिंक चेकआउट कर लीजिए जल्दी से। और दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिख जाएगा। ठीक है, और स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और फिक्स करते हैं प्रॉब्लम। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है कि ये जो Trell ऐप है वो दोस्तों फिलहाल ही में लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है जो कि मेड इन इंडिया उसमें आ जाते हैं। ठीक है, मेड इन इंडिया का जो यहाँ पर दोस्तों चल रहा है अभी, तो उसमें दोस्तों ये लागू होते हैं और दोस्तों इस वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई चिंतित करने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और एप्लीकेशन को डायरेक्टली अपडेट कर देना है। ठीक है, एप्लीकेशन अपडेट करते ही आप मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। मोबाइल को रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली Trell ऐप के अंदर पे जाना है और चेक कर लेना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो दोस्तों अच्छी बात है, यदि प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पा रहा है अपडेट के बाद, तो इसके लिए आपको आगे सेटिंग पर जाना होगा। सेटिंग पर जाके दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ऐप्स पर जाना है, उसके बाद मैनेज ऐप पर। ठीक है, मैनेज ऐप, इंस्टॉल ऐप या फिर ऐप मैनेजर करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी का फ़ोन अलग होता है तो दोस्तों उसमें अलग तरीके का सेटिंग रहते हैं। उसके बाद आपको नीचे Trell ऐप पर क्लिक करना है एप्लीकेशन के अंदर पे, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है क्लियर डेटा का ऑप्शन। ठीक है, स्टोरेज पर आपको मिलेगा या फिर आउटसाइड में आपको मिल जाएगा, इसमें क्लिक करके दोस्तों आपको क्लियर डेटा कर देना है कम्प्लीटली। डेटा क्लियर करने के बाद ऐप परमिशन पर जाना है, सारे परमिशंस को अलाउ करना है। सारे परमिशंस को अलाउ करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर बैक कीजिए, मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, उसके बाद जाके देखिए आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस Trell ऐप को यहाँ पर लॉन्च कीजिए। लॉन्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका प्रोफाइल है उसमें क्लिक कर दे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। उसमें क्लिक करते के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहले तो दोस्तों मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो प्रोफाइल पर क्लिक करना था यहाँ पर, और उसके बाद आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें क्लिक करना है और गैलरी पर जाके प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकते हैं। यदि आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने में दिक्कत हो रहा है तो दोस्तों आप हमारे ही चैनल पर जाके देख सकते हैं कैसे प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं कम्प्लीटली, या तो फिर मैंने आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा डेमो बता दिया है, साथ ही साथ मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया है। तो सॉल्यूशन को फॉलो कीजिए, आप आसानी से प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।